हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के पांचवें लेक्चर में आपका स्वागत है। देखो, आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उनकी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो कौन कौन से हमारे पहले जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हैं, एक बार तो हम उनको ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर आगे हम हमारे डिस्कशन को स्टार्ट है कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जो पहला हमारा फंडामेंटल राइट है वो आता है राइट टू इक्वलिटी, जो कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। इनके कानून के समक्ष सब समान है, कानून के सामने कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो पहला तो हो गया समानता का या फिर इक्वलिटी का, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। इसके बाद में दूसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, हमारी फ्रीडम है। तो हो गया आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। इसके बाद में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, यानी कि आपको कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे अधिकार की हम बात करें तो आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का ये अधिकार हमें दिया गया है कि किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम नहीं माने, हमारी मर्जी है, बस अत्यवे किसी को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आता है पांचवा, आता हुआ है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। भाई सभी को अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को सहेजकर रखने का अधिकार दिया गया है, जहाँ चाहे वहाँ एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 29 और 30। इसके बाद में आता है राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी वैसे स्टार्टिंग में था, बट बाद में इसको इनवेलिड है या नल है वो करार दी, मतलब 31 बाद में इसको निरस्त है वो कर दिया गया था। तो अब ये आर्टिकल जो 31 है वो हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद में जो हमारा आता है सातवां फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि जो हमें ऊपरी अधिकार दिए गए हैं ना, पांच हो गए, देखो चौथा तो हटा ही दिया गया है, यानी कि ऊपर के जो हमारे पांच फंडामेंटल राइट है ना, इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो छठे, या हम बोल सकते हैं कि ये जो सातवां हो गया, लास्ट हो गया, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमें इनके कहीं भी हमें लगता है कि हमारे जो पांचों फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगा सकते हैं, इवन हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट स्पेशली इस चीज़ के लिए मेनली फेमस है और उस चीज़ को अलाउ है, वो करता है। तो मतलब रिट वगैरह जो लगाई जाती है कि भाई मेरा इस अधिकार का शोषण हो रहा है, कहीं घूमने नहीं दिया जा रहा वगैरह, कुछ भी इश्यूज हो, तो उसके तहत आर्टिकल 32 के तहत रिट है वो लगाई जाती है। ये हमने यहाँ पे मोटा मोटा ओवरव्यू ले लिया। अब देखो, आज हम जो राइट टू इक्वलिटी है इसको हम कवर करने वाले हैं, इसी के साथ हम कुछ केस हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो स्टार्ट है वो करते हैं। इससे पहले देखो, आर्टिकल 13 हमने नहीं डिस्कस किया और आर्टिकल 12 भी नहीं किया, तो एक बार हम उनको देख लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल 12 क्या है? देखो, आर्टिकल 12 है ना, वो स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है, यानी कि राज्य क्या है। अब क्या है देखो स्टेट, थोड़ा सा एक बार आप ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए, बहुत बेसिक से। एक राज्य होता है, उसके अंदर बहुत सारी, मतलब क्या होती है, एक हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी PSUs भी होती हैं, बहुत सारी कंपनीज भी होती हैं, सार्वजनिक उपक्रम हो गए, या फिर हम बात करें कि राज्य की कार्यपालिका भी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं ना, उन सबको मिला के स्टेट है वो बनता है, और यही बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट के अंदर संघीय कार्यपालिका भी आ जाती है, संघीय विधानमंडल भी आ जाती है, यानी कि संसद भी आती है, राज्य कार्यपालिका भी आती है, राज्य विधानमंडल भी आ जाता है, या फिर गवर्नमेंट का कोई PSU हो गया, जैसे कि गेल हो गई, भेल वगैरह हो गई, NTPC हो गई, इस तरह की जो भी स्थानीय निकाय हो गई, और सॉरी जो स्थानीय निकाय हो गए, पंचायत समिति वगैरह हो गई, नगर निगम वगैरह, ये सब एक स्टेट का ही एक पार्ट है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये हो गया आर्टिकल 12। अब देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 13 है ना वो विधि, विधि का मतलब कानून, यानी कि आर्टिकल 13 है ना वो कानून, लॉ को डिफाइन है वो करता है कि भाई कानून क्या है। अब देखो, आर्टिकल 13 में है ना बेसिकली, हम खैर आगे और भी अच्छे से डिस्कस तो करेंगे, बट एक बार हम मोटा मोटा, इसमें तीन पार्ट हैं आर्टिकल 13 में, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। आर्टिकल 13 का जो फर्स्ट है ना, वो तो ये कहता है कि वे सभी कानून जो संविधान लागू होने से पूर्व, मतलब एप्लीकेबल थे या लागू थे पहले से ही, वो कंटिन्यू रहेंगे। देखो, आपको पता है कि हमारा संविधान बन के लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, संविधान बन के कम्प्लीट हो गया था, वेरीफाई हो गया था, उसको डन कर दिया गया था। बाद में ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है वो तो खैर 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो उससे पहले कि देखो, हमने काफ़ी सारे कानून आपको पता है अडोप्ट किए थे। हमने देखो पहले डिस्कस किया था कि 1919 का जो एक्ट था, 1935 का जो एक्ट था, वहां से हमने कुछ कानून ऐसे कैसे उठा के पटक दिए थे, क्योंकि देखो
भारत आजाद हुआ था तो ऐसा तो नहीं कि भाई हर एक कानून के ऊपर वापस से पीएचडी की जा सके। तो ये उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि भाई जो कुछ कानून जो हमने पहले से अडोप्ट किए हैं ना, उनको ऐसा कैसे अडोप्ट कर लो, और बाद में धीरे धीरे अगर हमें लगे कि भाई इनमें कमियां हैं कुछ हैं, तो उनको धीरे धीरे हम बाद में ठीक करते रहेंगे, क्योंकि एक साथ पार्लियामेंट इतने सारे कानून नहीं बना सकती थी। तो ये चीज आपको सब ध्यान में रखनी है। तो आर्टिकल 13 फर्स्ट के तहत क्या था कि वो कानून जो संविधान होने लागू होने से पहले से एप्लीकेबल थे वो कंटिन्यू रहेंगे, बस ये था। इसके बाद में आता है आर्टिकल 13 टू। आर्टिकल 13 टू ये कहता है कि वे सभी कानून, नियम या उपनियम जो कि भारत की संसद या विधानमंडल ने बनाए हैं वो भी आगे कंटिन्यू रहेंगे। और यहाँ पे आर्टिकल 13 थ्री क्या कहता है, आर्टिकल 13 थ्री ये कहता है कि वे सभी सरकारी आदेश, थोड़ा ध्यान से सुनना, वो सभी सरकारी आदेश, निर्देश और अध्यादेश आदि, केवल तीनों ही नहीं, यानी कि आदेश, निर्देश, अध्यादेश या फिर गवर्नमेंट का कोई और भी तरह का कोई मतलब मेथड हो, कोई कानून हो, वो एक्चुअली एक कानून की तरह एप्लीकेबल होगा। मतलब कि गवर्नमेंट कोई आदेश देती है कि हाँ भाई कल से ऐसा होना चाहिए, तो वो एक कानून की तरह उसको फॉलो किया जाएगा। गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देती है, जिस तरीके से देखो आपको पता है कि कई बार गवर्नमेंट गाइडलाइन निकालती है, जैसे कि एग्जाम्पल हो डीमोनेटाइजेशन का। डीमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक तरीके से एक आदेश दिया था, प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी थी कि भाई कल से सारे नोट बंद हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि उसके लिए कोई कानून बनाया था उन्होंने पहले, वो तो बाद में बने थे, बट पहले तो कुछ नहीं बना था ना, तो वो एक्चुअली कानून की तरह ही एप्लीकेबल हुआ था, तो वो आर्टिकल 13 थ्री के तहत है। तो ऐसे कुछ आपको इफेक्ट है वो ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मोड आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि देखो ये तीनों है ना, आर्टिकल 13 फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में से बेसिकली हम बात करें 13 फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से ये आप देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, यानी कि आर्टिकल 13 फर्स्ट और 13 सेकंड में से कोई भी ऐसा कानून है ना जो कि आर्टिकल 13 थ्री के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको वहां तक हटा दिया जाएगा। मतलब क्या है, देखो आर्टिकल 13 थ्री का एक बार आप थोड़ा ढंग से सोचना कि गवर्नमेंट कोई भी आदेश दे रही है, निर्देश दे रही है, फिर अध्यादेश है ना, वो एक कानून की तरह ही एप्लीकेबल है, वो होगा। और आर्टिकल 13 फर्स्ट में क्या है कि पुराने कानून है वो कंटिन्यू रहेंगे। अब आप ये देखिए कि आर्टिकल 13 थ्री क्या कह रहा है कि भाई लेटेस्ट जो नया कानून है ना, वो एक मतलब कोई भी स्पीच दे दिया, कोई भी आदेश दे दिया, वो एक कानून की तरह ही है। यानी कि 13 फर्स्ट में तो कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, अगर वो वोलेट कर रही हैं आर्टिकल 13 थ्री को, तो जो 13 फर्स्ट वाला जो हिस्सा खराब था, यानी जो पुराने कानून गलत हैं, आज के टाइम पर रिलेवेंट नहीं है, उनको हटा दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वापस मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों में से कोई भी एक भाग जो कि आर्टिकल 13 थ्री के अगेंस्ट जा रहा हो या उससे एक लिमिट तक मतलब उसके गलत हो, आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं हो, तो उसको हटा दिया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल 13 थ्री के रिस्पेक्ट में काउंट है वो किया जा रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा एक इफेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। इसके बाद में देखो एक केस है, केस क्या है वैसे, हाँ एक मतलब ग्रहण का सिद्धांत है, आपको बताता हूँ क्या है ये ग्रहण का सिद्धांत, या फिर इंग्लिश को इंग्लिश में इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है ये, हम वो देख लेते हैं एक बार। देखो पहली बात तो है कि जो ग्रहण का सिद्धांत है ना, ये आपको ध्यान में रखा है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट सॉरी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है ना, पुराने जो कानून है मतलब संविधान लागू होने से पहले के जो कानून है ना, केवल उन्हीं पे यह एप्लीकेबल है। ओनली ये ध्यान रखना आपको कि ग्रहण का सिद्धांत है वो भारत के संविधान से पहले के जो कानून है केवल उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ग्रहण का सिद्धांत आया कब था वो हम देखते हैं। देखो ग्रहण का सिद्धांत आया था बेसिकली 1955 में, उस टाइम पे केस था बीकाजी वर्सेज एमपी मध्य प्रदेश। केस क्या था वो हम देखते हैं, पर खाली एक से हाँ खाली पेज लेते हैं। केस ये था कि देखो मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है ना, इसने 1948 में एक कानून पारित किया। ध्यान से प्लीज थोड़ा ढंग से ध्यान फोकस करना है यहाँ पे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1948 में एक कानून पारित किया, और इस कानून के तहत ये आदेश दिया गया कि भाई जो वाणिज्यिक व्हीकल यानी कि जो कॉमर्शियल व्हीकल है ना, ये केवल राज्य के अंडर ही रहेंगे। मतलब कि कोई निजी आदमी कॉमर्शियल व्हीकल को मतलब चालू नहीं कर सकता है, फिर उनके एक तरीके से गवर्न है वो नहीं कर सकता। यानी कि सीधी सी बात बोलूँ कि जो कॉमर्शियल व्हीकल का काम है वो केवल स्टेट का होगा, सरकारी होंगे, प्राइवेट नहीं हो सकते, ये बेसिकली आया था। अब आप ये देखिए कानून गलत कहाँ तक था। देखो ये कानून बात अगर हम बात करें तो आर्टिकल खैर आगे हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 फर्स्ट जी,
आर्टिकल 19 फर्स्ट जी क्या कहता है आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट में जी पार्ट है वो ये कहता है कि कोई भी आदमी है वो देश में कहीं भी व्यापार कर सकता है, ये इसका एक फंडामेंटल राइट है। अब देखो किसी भी आदमी को व्यापार करना है तो व्हीकल की तो जरूरत होगी, जबकि तो यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि ना भाई साहब, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, वो तो सिर्फ हम ही यूज करेंगे, बाकी किसी को यूज करने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट का अगेंस्ट जा रहा है ना, इसीलिए यानी कि जितना पार्ट अगेंस्ट जा रहा है ना, उस पार्ट को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये है ना यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ये आपको समझ में आया क्या है, क्या क्या सीन हुआ? देखो सर्वोच्च न्यायालय के सामने केस चला गया कि आप कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना यहाँ पे, कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि भाई साहब आप जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो नहीं चला सकते, केवल और केवल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही कॉमर्शियल व्हीकल चला सकती है मध्य प्रदेश में, इसके अलावा कोई आम आदमी नहीं चला सकता। जबकि हमारा फंडामेंटल राइट क्या कहता है, नहीं भाई साहब फंडामेंटल राइट तो साफ साफ ये कह रहा है। देखो संविधान लागू कब हुआ था, 1949 में संविधान आपको पता है बन के एप्लीकेबल हुआ था, वैसे ऑफिशियली 1950 में हुआ था, जबकि ये कानून मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कब बनाया, 1948 में। मतलब संविधान लागू होने के पहले का जो कानून है ना, ये वहीं तक एप्लीकेबल होगा जहां तक हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहा है। अब देखो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये आगे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरीके की प्रोसीजर है, वो मैकेनिज्म है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट की गई कि भाई साहब आप जो पुराना कानून है ना, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है ना, तो वो अपने आप ही मतलब निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जहां तक वो गलत है। अब हो सकता है कि कानून पूरा ही गलत हो या फिर उसका कोई छोटा सा हिस्सा गलत हो, तो वो अपने आप उस तरीके से कैंसिल है, वो हो जाएगा। रीजन मैंने देखो आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो ग्रहण का सिद्धांत है ये इसलिए लाया गया था क्योंकि देखो संविधान होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में बहुत पुराने कानून थे जिनको गवर्नमेंट ने ऐसा कैसा ही अडोप्ट कर लिया था। अब देखो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, इतना टाइम नहीं था कि भाई आप सारे एक एक से कानून बनाने बैठो, तो ये डिसाइड किया गया कि भाई जो जो प्रॉब्लम आएगी ना आगे, उस हिसाब से हम कानून में अमेंडमेंट संशोधन करते जाएंगे, और मतलब जो पुराने कानून है उनको धीरे धीरे मैनेज करते जाएंगे, आप बोल सकते हो कि रिप्लेस है वो कर लेंगे। और उसी लिए आया ग्रहण का सिद्धांत, कि भाई साहब ग्रहण का सिद्धांत ये कहता है, वापस आपको एक बार रिपीट करता हूँ, ग्रहण का सिद्धांत ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 13 फर्स्ट है ना, इसके अंतर्गत केवल उन्हीं कानूनों पे ग्रहण का सिद्धांत एप्लीकेबल होगा जो संविधान लागू होने से पहले प्रभावी थे, यह आर्टिकल 13(2) पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि देखो एक सेकेंड, हमने पीछे डिस्कस किया था, हाँ देखो ये रो, हमने पीछे डिस्कस किया था कि आर्टिकल 13(2) में क्या आता है कि कोई भी विधानमंडल, विधानसभा ने कोई नया कानून बनाया, मतलब कि हमारा देश आजाद हो गया है, इसके बाद में नया कानून बनाए गए हैं संविधान लागू होने के बाद, तो वो तो उनमें तो कोई झंझट होगा नहीं क्योंकि वो तो वैसे ही सही ढंग से बनाए जाएंगे, उनमें तो कोई इश्यू नहीं होगा कि भाई वो पुराने के अगेंस्ट वगैरह हो। तो आर्टिकल 13 फर्स्ट के जो कानून गलत है या पुराना है ना, वो आर्टिकल 13(3) के अगेंस्ट मतलब मामला उसका सेट कर दिया जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे प्रावधान है वो किया गया था। तो ये था ग्रहण का सिद्धांत। एक बार आपको मैं जल्दी से फिर बता देता हूँ कि सारा सीन क्या है। देखो संविधान बना था, इसके बाद में आर्टिकल 13 फर्स्ट है ना, इसमें ये प्रावधान था कि भाई जो पुराने कानून है ना, वो उनको ऐसा कैसा आगे हम कंटिन्यू यूज करेंगे। और आर्टिकल 13(2) में ये कहा गया कि भाई साहब जो नए कानून है उनको भी हम आगे कंटिन्यू वो रखेंगे। और आर्टिकल 13(3) में ये कहा गया कि जो पुराने कानून है ना, अगर वो आज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट के साथ, तो उनको वहीं खत्म कर दिया जाएगा जितना हिस्सा उनका गलत है। जैसे कि मान लो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारा संविधान बन के लागू हुआ था उससे पहले ये कानून पारित कर दिया कि कॉमर्शियल व्हीकल प्राइवेट आदमी नहीं चला सकता, केवल स्टेट चलाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेट कर रहा था, इसका मतलब जितना हिस्सा वॉयलेट कर रहा है कि आप भाई नहीं चला सकते, वो इनवेलिड है, आप बोल सकते हो कि खत्म है, वो हो जाएगा। ये था आर्टिकल 13(3) और 13(1), तो हमने इसको देख लिया। और ग्रहण का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट आगे की तरफ, समता का अधिकार, या फिर हम बोलते हैं समानता का अधिकार की तरफ आगे चलते हैं। समता या समानता, ठीक है, कहां से कहां तक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 14 की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 14 साफ साफ ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है ना, उसको विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण। देखो दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया सकता। अब ये ध्यान रखना है आपको अभी तो कि विधि के समक्ष जो समता वाली बात है ना, पहला वर्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता है ना, ये जो उपवाक्य है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक्चुअली इंडिया ने ब्रिटेन से लिया है। मतलब कि कानून के सामने सब लोग समान है, ठीक है, विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सब लोग समान है, ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। दूसरा आता है विधि के समान संरक्षण, और विधि के समान संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिया ने अमेरिका से लिया है। आगे हम जो हमारे पॉलिटिक लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे तो इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या क्या है। देखो विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होगा, कानून के सामने सब लोग समान है, और विधि के समान संरक्षण मतलब कानून के सामने चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, सब लोग इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि भाई कानून है वो सबको संरक्षण नहीं देगा, अमीर है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, ऐसा कुछ नहीं है। खैर इसमें अपवाद है तो वो हम आगे अच्छे से उनको कवर है वो करेंगे। इसके साथ ही विधि के समक्ष समानता की और अगर हम बात करें थोड़ा, देखो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी नस्ल से हो, चाहे उसका कोई भी लिंग हो, चाहे मतलब मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर कोई भी हो, किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव नहीं किया सकता, वो हर तरीके से कानून के समक्ष समान है वो होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15, एक सेकंड खाली पेपर का। हाँ आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कुछ वर्ड है, देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म, प्रजाति, प्रजाति का मतलब ऐसे रेस से काउंट है वो क्या जाता है कि रेसिज्म जो आपने सुना ना वर्ड, वो धर्म तो आपको पता है रिलीजन होता ही है, और प्रजाति यानी कि रेसिज्म या रेस, इसके बाद में आती है जाति जो कास्ट होती है, कास्टिज्म होता है ना जाति कास्ट, इसके बाद में आता है सेक्स यानी कि लिंग की मेल फीमेल आप तो ट्रांसजेंडर वगैरह, इसके बाद में आता है पी, पी का मतलब होता है प्लेस या मतलब आपका जो जन्म स्थान है एक तरीके से आप ऐसे बर्थ प्लेस। ये बेसिकली कितने वर्ड हो गए, ये पांच वर्ड हैं, ध्यान रखना कौन कौन से हैं, पहला धर्म, दूसरा प्रजाति, प्रजाति का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रजाति का मतलब आपके कौन से मतलब एक तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूं कौन से रेस से हो, इसके बाद में आता है जाति कास्टिज्म, इसके बाद में आता है सेक्स, इसके बाद में आता है प्लेस ऑफ बर्थ या जन्म स्थान। इनके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के पास, किसी को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप हिंदू हो तो आप ये नहीं कर सकते, किसी को आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आप इस एरिया में जन्मे हो तो आपको ये राइट नहीं है वगैरह, मतलब इस तरीके की बातें आप ही नहीं कह सकती। मेल फीमेल सब कानून के सामने इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं कह सकता। जैसे देखो आर्टिकल 15 का जो सेकेंड पार्ट है ना वो ये कहता है कि होटल रेस्टोरेंट या फिर जो पब्लिक एरिया है सार्वजनिक स्थान है ना, वहां पे इनके आधार पे जो पांच वर्ड है इनके आधार पे भेदभाव पॉसिबल नहीं है, नहीं कह सकता। इसके बाद में जैसे कि जो पब्लिक प्लेस का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, सार्वजनिक स्थान जैसे कि बस स्टैंड हो गया या फिर हम बात करें रेलवे स्टेशन हो गया या फिर मेट्रो स्टेशन, मतलब ऐसे जो पब्लिक प्लेस हो गए जो कि सभी लोगों के लिए है, वहां पे आप कोई भेदभाव नहीं कह सकते। बट इसमें कुछ लोगों को अपवाद भी दिया गया, कुछ लोगों को छूट भी दी गई है आर्टिकल 15(3) के तहत। वो ये है कि जैसे कि स्त्री हैं, बच्चे हैं, ये देखो पुरुषों के कंपेयर में इतने कैपेबल नहीं होते, इनके पास इतनी पावर नहीं होती है, तो इनके संबंध में राज्य स्पेशल मतलब प्रावधान कर सकता है, मतलब इनको थोड़ी छूट है वो दी गई है। देखो हमारे समाज में स्त्रियों को स्टार्टिंग से ही क्या है दबाया गया है, उनको थोड़ा प्रेशराइज किया गया है, तो इसीलिए उनको सबके इक्वल लाने के लिए इनको थोड़ी स्पेशल लाइट एक तरीके से आप सोचते थोड़ा आरक्षण टाइप का इनका मौका है वो दिया गया है। खैर वो आरक्षण अलग चीज है, बट मतलब इनको कहीं ना कहीं थोड़ी छूट दी गई है कि ताकि इनको थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है, तो वो ही यहाँ पे बात डिस्कस है वो की गई है। इसके बाद में हम बात करें आर्टिकल और कौन सा आता है, हाँ आर्टिकल 15 का आता है चौथा पार्ट आता है 15(4). 15(4) ये कह रहा है कि भाई साहब एजुकेशन या फिर जो सोशली जो लोग बैकवर्ड है ना उनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, मतलब कि एजुकेशन और जो सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं ना पिछड़े क्लास के लोग हैं इनके लिए राज्य उनको मतलब एजुकेशन में रिजर्वेशन वगैरह वो प्रोवाइड करवा सकता है। और ये ध्यान रखना है जो आर्टिकल 15(4) है ना ये भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था, तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो आरक्षण यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशली या इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 15(4) के तहत पहले संविधान संशोधन के तहत ऐड है वो किया गया है। इसके बाद में एक सेकंड रुको गला सूख गया पानी। अब आता है हमारा आर्टिकल यहाँ पे 15 का पांचवा पार्ट।
15 का पांचवा पार्ट ये कह रहा है कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास हो गई हैं इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो ओबीसी जैसी क्लास हो गई है इनको जो आरक्षण दिया गया है वो 27% आपको बताया कि ओबीसी को आरक्षण दिया गया है आईआईटी आईएम वगैरह में, इकोनॉमिक वीकर के सेक्शन को 25%। तो ये बेसिकली आर्टिकल 15(5) के तहत दिया गया है, ये आपको फैक्ट थोड़े ध्यान में रखने हैं। देखो फंडामेंटल राइट आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए, और से कुछ याद हो या नहीं हो ये तो आपको लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीएससी घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के दृश्य उधर से पूछ लेती है। अब आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में भी अलग अलग पार्ट हैं। आर्टिकल 16 में पहले पार्ट की बात करें तो वो ये कह रहा है कि सरकारी सेवाओं में सब लोगों के लिए इक्वल मौके हैं, मतलब सरकार की एग्जाम में सब लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं दे सकता मुस्लिम नहीं दे सकता वगैरह, सब लोगों को इक्वल मौके दिए गए हैं। और इसका सेकेंड पार्ट ये कहता है कि सरकारी सेवाओं में धर्म हुआ, जाति, वंश, लिंग, जाति निवास स्थान, इनके आधार पे जो 5 वर्ड हमने डिस्कस किए थे ना, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं कह सकता। कौन कौन से थे 5 वर्ड? एक था धर्म, एक प्रजाति, प्रजाति मतलब रेसिज्म, और इसके बाद में आता है वंश, और इसके बाद में लिंग, और इसके बाद में निवास स्थान। इन 5 वर्डों के आधार पर आप कोई भेदभाव है वो नहीं कर सकते। बट इसमें भी अपवाद है, आपको पता है कि गवर्नमेंट थोड़ी बहुत छूट देती है, वो देती है आर्टिकल 16(3) के तहत कि भाई जैसे कि गवर्नमेंट आपको पता है कि रेजिडेंसी वगैरह आवास वगैरह संबंधित कोई कानून है वो बनाती है तो वहाँ पे छूट देती है कि महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो इस तरीके की छूट वो क्यों दी जाती है, ताकि जो समाज का तबका पिछड़ा हुआ है पीछे रह गया है उसको समाज में बाकी लोगों के सबके इक्वल किया जा सके, इसके लिए बेसिकली तरीके से आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है। तो यहाँ पे आवास संबंधी जो भी कानून वगैरह बनाने का अधिकार है ना वो वैसे हमारी पार्लियामेंट के पास ही होता है, तो वो आर्टिकल 16(3) का एक पार्ट है वो हो जाता है। इसके साथ ही आर्टिकल 16(4) है वो भी एक अपवाद है, वो ये कहता है कि जो लोग कमज़ोर हैं मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको सरकारी सेवाओं में स्पेशल छूट जो आरक्षण दिया जा रहा है आपको बता आज के टाइम पे वो इसी का एक पार्ट है। और आर्टिकल 16 का जो पांचवा पार्ट है वो ये कहता है कि धर्म हुआ, दान हुआ, उपदान, इसके साथ जो ऐसी संस्थान है सेवाएं हैं इनमें भी उनको कुछ ना कुछ मतलब गवर्नमेंट है थोड़ा बहुत पैसा वगैरह देती रहेगी ताकि वो अपना मतलब मामला है वो सेट करके रखें। इसके बाद में हम बात करें एक केस आता है वैसे इंदिरा साहनीवाद जो आया था 1993 में। क्या है एक बार हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, बट इससे पहले एक बार उनको स्लाइड ले लेते हैं, तो खाली पेज स्लाइड लेके। हाँ देखो जो इंदिरा साहनी केस था ना कब था, 1993 का है। क्या है इस केस को हम थोड़ा बैकग्राउंड के साथ समझते हैं अच्छे से ही, जब हम कवर करें तो कंप्लीट कवर कर लेते हैं। देखो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे मंडल आयोग आया था। अब देखो मंडल आयोग की रिकमेंडेशन है वो आगे हम पंचायती राज में भी पढ़ेंगे, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे, खैर यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे। मंडल आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, और खैर काफ़ी सारी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया भी गया था। तो उसमें एक पॉइंट ये था कि ओबीसी को रिजर्वेशन की बात की गई थी, जो आप बोल सकते हो ओबीसी नहीं की अन्य पिछड़ा वर्ग की सरकारी सेवाएं हैं गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण है वो दिया जाए, ठीक है, और ये बात इम्प्लीमेंट की जा रही थी। लेकिन ये बात जब इम्प्लीमेंट की जा रही थी तब एक केस आया, इसका नाम था इंदिरा साहनी केस 1993 में। मतलब इस केस के तहत क्या हुआ कि भाई इस आरक्षण को चुनौती दी गई थी कि भाई आप ऐसे आरक्षण नहीं दे सकते ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह वगैरह को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो भैया आरक्षण दिया है तो बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है, बट इसका सही यूज होना है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्ड्स दिए थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब जो केंद्रीय वैकेंसीज होती हैं उनमें, वो बिल्कुल सही है, बट इसके लिए कंडीशन ये है कि जो देखो एक वैसे आपको बता दूं इफेक्ट, हाँ खैर यहाँ पे आ ही गया कि ये केवल आपने कई बार सुना होगा कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये वैसे कोई हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये बस केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन रख रखी है कि भैया आप इससे ज़्यादा रिजर्वेशन मत दो, नहीं फिर उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा रिजर्वेशन दोगे ना तो फिर जो नॉर्मल जनरल क्लास के लोग हैं ना वो फिर मतलब एक तरीके से उनको भी नुकसान ज़्यादा होने लग जाएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन रखी गई है बस कि आप 50% से ज़्यादा प्लीज़ रिजर्वेशन को आगे मत प्रमोट करना। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखो आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन मत करना, बाकी जब जैसे भी आपकी इच्छा है भाई, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसी रिजर्वेशन किसी को तोड़ मरोड़ के दे, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट लाया गया, वो आ गया क्रीमी लेयर का,
ओबीसी में आपको पता है क्रीमिलेयर का कॉन्सेप्ट आता है कि जो लोगों की इनकम अच्छी खासी है उनको क्रीमिलेयर में माना जाता है और उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, वो एक तरीके से जनरल में ही काउंट है वो होते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट को काफी बार देखा होगा, यानी कि ओबीसी में क्रीमिलेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं उनको इस चीज का बेनिफिट ना मिल सके, ठीक है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही मौका दिया कि भाई साहब आप ही डिसाइड करो कि कितनी इनकम हो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे ना मिले, स्पेशली कौन सी में, ओबीसी में। ध्यान रखना एससी एसटी में क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल ओबीसी में ही क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ही आया कि प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट बताता है। प्रमोशन यानी कि हिंदी में बात करें तो पदोन्नति, ठीक है। प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब जो आप रिजर्वेशन है ना ये प्रमोशन में मत दो, केवल संविधान में ये प्रावधान किया गया कि स्टार्टिंग में, मतलब कि प्रवेश का जो लेवल है ना सरकारी गवर्नमेंट जो वैकेंसी देने में, इनमें स्टार्टिंग में आप रिजर्वेशन दे सकते हो, प्रमोशन वगैरह में आप एक तरीके से रिजर्वेशन को मत लेके आओ, अदरवाइज सारा रायता है वो फैल जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे सीन क्या हुआ कि आगे बाद में नरसिंह राव की सरकार आ गई, नरसिंह राव की सरकार आ गई और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पे सीताराम केसरी और अन्य नेताओं ने क्या किया कि भाई साहब आपस में बातचीत की और देखा कि आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया प्रमोशन में और आरक्षण की व्यवस्था कर दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आप मत करो अदरवाइज सही नहीं होगा, बट उस टाइम पे नरसिंह राव की सरकार ने क्या किया आरक्षण है वो मतलब जो प्रमोशन में आरक्षण को एप्लीकेबल कर दिया। और ये कब किया गया था ये मैंने आपको बता दिया कि जो 77वां संविधान संशोधन था, 77वां संविधान संशोधन में ये चीज है वो लाई गई थी। इसके बाद में आगे इस चीज को प्रमोट किया गया, ठीक है, दे दिया गया। और यहाँ पे एक वर्ड आया परिणामी ज्येष्ठता, मतलब जो सबसे सीनियर है ना उसको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट है वो मिल सकेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। ये मामला होगा कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रख दिया है प्रमोशन में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे सीन ऐसा हुआ 2006 में फिर मामला कोर्ट में चला गया कि भाई साहब गड़बड़ हो रही है आप ऐसे रिजर्वेशन मत दो वगैरह वगैरह। तो 2006 में केस आया, उसका नाम याद रखना, वो था नागराज वर्सेस यूनियन यूनियन गवर्नमेंट, 2006 में केस आया। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय ये क्लियरली बोला कि आप है ना, मतलब सभी गवर्नमेंट को बोला, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप है ना ये चीज प्रूव कर दो कि भाई जो रिजर्वेशन है ना इसका बेनिफिट एससी एसटी आप बोल सकते हो कि जो पिछड़ा वर्ग है कोई भी हो, मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट लोगों को सही नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रमोशन वगैरह में भी रिजर्वेशन की जरूरत है। ध्यान से सुनना क्या वर्ड बोला, एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि सरकार यदि आंकड़ा या जो भी डाटा है वो हमारे सामने पेश कर दे कि भाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, इसी वजह से जो अनुसूचित जनजाति और जाति यानी कि एससी एसटी के सदस्य हैं इनको ऊंचे पदों में प्रमोशन है वो नहीं दिया जा रहा है, मतलब जो हायर पोस्ट हो गई है वहां पे इनको प्रमोशन नहीं पहुंच पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आप हमें डाटा दो कि सच में ही एससी एसटी के जो सदस्य हैं ना इनको जो हायर पोस्ट में प्रमोशन है वो नहीं दिया जा रहा है, तब भी हम आगे इस तरह का प्रमोशन है प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है इसको एप्लीकेबल रखेंगे। अब देखो आपको पता डाटा तो कोई गवर्नमेंट दे नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा कुछ था ही नहीं, भेदभाव का तो कोई मैटर था ही नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हुआ एक तरीके से रोक लगी ऑटोमेटिकली। ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको रद्द नहीं किया था रिजर्वेशन को, प्रमोशन मतलब जो प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन था इसको रद्द नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप पहले हमें डाटा दो कि भाई भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव की वजह से एससी एसटी के लोग हैं इनको हायर पोस्ट में प्रमोशन नहीं हो रहा, बट ऐसा था ही नहीं कि भेदभाव तो हो ही नहीं रहा था, और इसीलिए सीन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डाटा आज तक पेश नहीं किया है और उसकी वजह से रोक है वो आज तक भी कंटिन्यू है। तो ये आपको ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा कि आप डाटा दो हमें भेदभाव का, बट डाटा गवर्नमेंट ने दिया नहीं इसलिए वो रुका हुआ पड़ा है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 16 कंप्लीट। अब देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अस्पृश्यता है अनटचेबिलिटी है इसको खत्म करता है। आप किसी के साथ छुआछूत वगैरह का ऐसा केस नहीं कर सकते कि ये भैया आदमी मेरे को नीची कास्ट का है तो इसको मतलब अलग रखो वगैरह, इस तरीके छुआछूत के कोई भी मामले हैं तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई है वो की जा सकती है, अनटचेबिलिटी को खत्म है वो कर दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1976 में अनटचेबिलिटी एक्ट भी बनाया था, और इसके बाद में हम बात करें तो जो जो 1976 में एक्ट बनाया गया था ना इससे पहले भी एक्ट बना था, वो बना था 1955 में और उसका नाम था वैसे नागरिक अधिकारों की, एक सेकंड, नागरिक अधिकारों की
रक्षा अधिनियम 1955, यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए ही ये इनिशिएटिव या एक्ट है वो बनाया गया था। इसके बाद में आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों, उपाधि, उपाधि का मतलब टाइटल, कि भाई जो उपाधि है ना इनका, आप टाइटल वगैरह किसी को नहीं दे सकते। बट इसमें देखो थोड़ी बहुत छूट दी गई थी। थोड़ी बहुत छूट कौन सी वो हम देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो टीचिंग फील्ड हो गई है, या फिर हम बात करें कि एक डिफेंस सेक्टर हो गया है, इसमें देखो थोड़े बहुत टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, जैसे कि किसी को हम बात करें यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड दिए जा रहे हैं, या पद्म श्री अवार्ड, या फिर आर्मी में बात करें तो अशोक चक्र दिए जाते हैं, परम चक्र, वीर चक्र, इस तरह के जो चक्र दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, वो इसके अपवाद हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि उन लोगों का मनोबल वो बना रहे। वैसे कोई, जैसे आज के टाइम पे आपको पता है कोई महाराजा महारानी का वो टाइटल नहीं है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें खत्म कर दी है ऐसे टाइटल। पहले रजवाड़ा सिस्टम हुआ करता था राजा महाराजा, आजकल वैसा कोई सीन नहीं है। मंत्री वगैरह कोई सीन नहीं रहा, आजकल सब आम लोग हैं। बाकी हमारी पार्लियामेंट है वो सब आगे सर्वेसर्वा है, आपको बताइए, सारा काम वही मैनेज करती है। तो बस ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि जो पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये जो अवार्ड हैं इनको अलाउ किया गया है कि भाई ये एक तरीके से लोगों को प्रमोट करने के लिए हैं, नेशनल एक तरीके के अवार्ड हैं, बाकी कोई और तरह के टाइटल्स वगैरह अलाउ नहीं किए गए हैं। तो ये था आज का हमारा जो समता का, समानता का अधिकार था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को, उसको हमने कवर किया। दो केस हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वो करो, सभी लोगों तक वीडियो पहुंच पे, ताकि मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिले कि भाई मैं वीडियो और ज़्यादा अच्छे से वो बना पाऊँ। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट है वो किया जा सके। तो फिलहाल इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।